इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में, क्यों ये पाई नेटवर्क अदर जो भी टेलीग्राम बोट अभी तक हमने देखे हैं, चाहे हेमस्टर कॉम्बेट हो, चाहे नोट कॉइन हो, या फिर इवन जो भी आपकी नज़र में बड़े प्रोजेक्ट हैं टेलीग्राम बोट में एयरड्रॉप वाले, उन सबसे यूनिक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पाई के रिगार्डिंग, तो पाई 70,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकता है। अब 70,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम भी 30 ट्रांजेक्शन पर मिनट ही कर पाता है कंप्लीट। और अगर सोलाना की बात करते हैं, सोलाना लगभग 65,000 से 70,000 ट्रांजेक्शन पर मिनट कर पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा पाई नेटवर्क है ये सोलाना के बराबर ट्रांजेक्शन स्पीड रखने वाला नेटवर्क है। और अगर यहाँ पे मैटिक की बात करते हैं तो मैटिक कर सकता है 65,000 ट्रांजेक्शन एक सेकंड के अंदर कंप्लीट, और यहाँ पे पाई कर सकता है 70,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। आपने जितने भी टेलीग्राम बोट देखे हैं कोई एक भी नहीं है ऐसा जो यहाँ पे इतना तगड़ा फंडामेंटल लेके आता हो। और देखिए अगर यहाँ पे पाई के बाद में हम बात करते हैं, ओपन मेनेट लॉन्च होने के बाद मेन यहाँ पे काम है जो पाई का ओपन मेनेट लॉन्च होने के बाद शुरू होगा। अब तक हमने जितने भी यहाँ पे इसके डेवलपमेंट देखे हैं ओपन मेनेट लॉन्च होने से पहले, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी एक इनिशियल शुरुआत है, जो डेवलपमेंट है आने अभी शुरू हुए हैं, लेकिन इसकी लॉन्चिंग के बाद ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्योंकि इसकी लीगेसी है सबसे पहले मोबाइल से माइनिंग करना शुरू करवाया था पाई नेटवर्क ने। उससे पहले जो माइनिंग सेटअप था वो कंप्यूटर बेस्ड था, उससे पहले कंप्यूटर से ही माइनिंग हो सकती थी, जिसमें आपके बहुत बड़ी यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन होती थी और एक बड़ा कंप्यूटर सेटअप आपको जरूरत पड़ती थी, बड़े कंप्यूटर सेटअप की। अब देखिए पाई इतना यूनिक क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पाई एक यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ना कि किसी एयर ड्रॉप पे। आपने जितने भी अब तक एयर ड्रॉप देखे होंगे जिनमें आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने उतना ही कम एयर ड्रॉप दिया है, चाहे हेमस्टर कॉम्बेट की बात करें या फिर रॉकी रैबिट की बात करें, और रिसेंट एग्जाम्पल है कैट्स का। अब देखिए पाई करना क्या चाह रहा है, पाई आपको कोई भी फर्जी वीडियो देखने के लिए यहाँ पे फोर्स नहीं करता है कि ये वीडियो जाके यूट्यूब पे देखो उसके बाद कोड डालो, आपने नहीं देखा होगा पाई के अंदर ये चीज़। और जो भी लोग यहाँ पे पाई को माइन कर रहे हैं, जो भी पाइनर्स हैं, उनको किसी भी वीडियो को देखने के लिए फोर्स नहीं करा जाता है, किसी भी तरह के कंप्लीट टास्क करने के लिए फोर्स नहीं करा जाता। एक बार आपको दिन में पाई की माइनिंग को एक्टिवेट करना है एंड दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें अगर पाई के फ्यूचर के बारे में, तो पाई वेब 3 के अंदर भी जाना चाह रहा है। पाई ने यहाँ पे रिसेंटली कुछ इंटीग्रेशंस इनवाइट करे हैं, जिससे आने वाला जो पाई का फ्यूचर है एक तरह से ब्राइट हो सके और पाई आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट को लीड कर सके। पाई के पीछे जो कोर डेवलपर्स की टीम है उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसका मोटो यहाँ पे मार्केट से अभी अर्न करना नहीं है, उनका मोटो पाई को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे अपडेट दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने पाई है जो उसने यहाँ पे इंटीग्रेशंस के लिए अभी यहाँ पे ओपन पार्टनरशिप अहेड ऑफ मेनेट लॉन्च पाई नेटवर्क 6 बिजनेस पार्टनरशिप। तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए पाई नेटवर्क ने अभी इनवाइट करा था काफ़ी यहाँ पे जो क्रिप्टो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनको। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, कार्बन ब्राउजर इंटीग्रेट्स पाई नेटवर्क वॉलेट। अब देखिए यहाँ पे कार्बन ब्राउजर है जो उसने इंटीग्रेट करा है पाई नेटवर्क वॉलेट के साथ। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे कार्बन ब्राउजर है इसके करंटली अगर मैं आपको यूजर दिखाऊं तो 2 मिलियन से ज़्यादा इसके कार्बन के करंटली एक्टिव यूजर हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब इसका बेनिफिट क्या है कि डायरेक्टली पाई को यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो कार्बन ब्राउजर के साथ। अब कार्बन ब्राउजर भी क्रिप्टो मार्केट का ही वॉलेट है और क्रिप्टो के रिगार्डिंग ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक वॉलेट है, जिस पे यहाँ पे डायरेक्टली पाई के जो यूजर हैं, जो पाइनियर्स हैं, वो डायरेक्टली शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना जो यहाँ पे टोकन है इसके थ्रू कुछ जो यहाँ पे नेटिव करेंसी के जो यूज केसेज होते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं कार्बन ब्राउजर के ऊपर। अब इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि एक तो 2 मिलियन का जो यूजर बेस है वो डायरेक्टली इंटरसेक्ट हो पा रहा होगा, यहाँ पे इंटरकनेक्ट भी हो पा रहा है करंटली अगर पाई नेटवर्क की बात करते हैं। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एप्स वगैरह भी क्रिएट करे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1000 न्यू DApps आर इन द वर्क्स, 1000 से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर काम करा जा रहा है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पाई नेटवर्क है एक अच्छे खासे तरीके से अभी कोऑपरेट करना चाह रहा है, इंटीग्रेशन करना चाह रहा है बिजनेसेज के साथ में, और ऐसा कर क्यों रहा है।
उसके पीछे ये है कि जो यहाँ पे पाई नेटवर्क है अपने प्रोजेक्ट को फ्लॉप होते हुए नहीं देखना चाहते, और इनका जो मोटो है वेब थ्री के अंदर भी जाना है, वेब थ्री के रिगार्डिंग भी इंटीग्रेशन यहाँ पे इन्होंने इन्वाइट करे हैं। कुछ इन्विटेशन जो यहाँ पे इन्होंने भेजे हैं उनका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया है, देख सकते हो आप, व्हाट कार्बन ब्राउजर ब्रिंग्स टू द पाई नेटवर्क वॉलेट एज द फास्टेस्ट ग्रोविंग क्रिप्टो ब्राउजर। तो ये यहाँ पे फास्टेस्ट ब्राउजर है, फास्टेस्ट ग्रो होने वाला ब्राउजर है अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन ब्राउजर की। ओवर 2 मिलियन एक्टिव यूजर, कार्बन ऑफर्स ए फुल फ्लेज्ड वॉलेट एज वेल एज ए पावरफुल डी एप्स स्टोर। तो ये एक डी एप्स का भी स्टोर है, यहाँ पे डी एप्स बनाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने अभी कहा था डी एप्स बनाए जा रहे हैं लगभग 1000 से ज़्यादा। अब इन डी एप्स का बेनिफिट क्या होगा, इन डी एप्स के अंदर जो नेटिव करेंसी के रूप में यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा पाई नेटवर्क को। अब यूज करा जाएगा तो होगा यूज केस इम्प्रूव, और यूज केस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करी जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है यूज केस होना, क्योंकि अगर किसी चीज को आप बाई करके अपने घर में लेके आ रहे हो खरीद कर, और अगर उसका यूज कुछ भी नहीं है देन उसकी वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं रहेगी, और उसको यहाँ पे कोई बाई करना भी पसंद नहीं करेगा। यही रीजन होता है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में यूज केस होने का। अगर यहाँ पे यूज केस है तो कॉइन बहुत ऊपर चला जाएगा। सोलाना का यूज केस है, इस वजह से सोलाना यहाँ पे काफ़ी ऊपर गया है। मैटिक का यूज केस है, इसलिए मैटिक ने $2.79 का ऑल टाइम हाई लगाया है। वजह क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे इथेरियम के स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। मार्केट में इनका यूज है, इनके बिना यहाँ पे जो मार्केट का काम है काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इन्होंने ईजी करा हुआ है इथेरियम के स्केलिंग सॉल्यूशंस को, इस वजह से ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वजह बनना चाहते हैं जो पाई नेटवर्क है, जो इसके यहाँ पे डेवलपर्स है, ये पाई को एक वजह बनाना चाहते हैं। अब देखिए 70,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होने की वजह से आने वाले टाइम पीरियड में जो यहाँ पे पाई नेटवर्क है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज ट्रांजेक्शन के रूप में भी करा जाएगा। ट्रांजेक्शन के रूप में यूज करना भी इसके यूज केस को इम्प्रूव करेगा। देखिए अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी लोग इसकी प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन प्राइस क्या रहेगी एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बताया जा सकता कि कितनी प्राइस रह सकती है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहने वाला हूँ कि जब ये लॉन्च होगा, बाय द वे ये लॉन्च हो जाता है $2 का एक पाई, अगर ये $2 का भी एक लॉन्च होता है और अगर इसके यूज केस और इसी तरह से इम्प्रूव होते हैं जिस तरह से अभी हैं, 70,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, इंटीग्रेशन इसके बड़े बड़े यहाँ पे क्रिप्टो के जो पहले से काम करने वाले प्रोजेक्ट मेकर हैं उनके साथ में हो रहे हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे पाई नेटवर्क वेब थ्री में भी जा रहा है, तो अगर ये सोल्यूशन बनता है किसी चीज़ का और कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है क्रिप्टो मार्केट में, देन इट विल बूम लाइक सुई। सुई आपने देखा है, सुई भी काफ़ी अच्छा मार्केट में यूज केस लेके आया है, न्यू इनोवेशन लेके आया है, इस वजह से सुई बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है। और जो हेमस्टर कॉम्बैट, जो शिबा इनू जैसे कॉइन है, इनका मार्केट में कोई यूज केस नहीं है, ये सिर्फ हाइप की वजह से ऊपर जाते हुए आपको नजर आते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पाई माइन करके रखा हुआ है या फिर जो अभी पाई को माइन कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि पाई को माइन करते रहिए। ये अदर जो यहाँ पे टेलीग्राम बोट जैसी एयर ड्रॉप है इनके जैसा नहीं है, ये मैंने हर बार बोला है अब भी बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे मार्केट के अंदर यूज केस क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अगर मार्केट में यूज केस बना तो मैटिक को बूम करते आपने देखा है, आपने सोलाना को बूम करते देखा है, आपने सुई को ऊपर जाते हुए देखा है, उसी हिसाब से लॉन्च किसी भी प्राइस पे हो लेकिन लॉन्च होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, अनलाइक हेमस्टर कॉम्बैट। अब यहाँ पे वीडियो को हम यहाँ पे लास्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट आएंगी आपको मिलती रहेंगी। प्राइस के बारे में लॉन्चिंग से पहले एक्सपेक्ट करा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, हमारे हाथ में माइनिंग करना है, आप माइनिंग करते रहिए। जो इसकी कोर टीम है वो बैकएंड में अपना काम कर रही है, चाहे वो डेवलपमेंट्स की बात हो या फिर और जो चीज़ें इंटीग्रेशन वगैरह जो हो रहे हैं उनकी बात करें, और इसका जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक मोटो लेके आता है ये मार्केट में, ऐसे ही हाइप की वजह से नहीं आया हेमस्टर कॉम्बैट की तरह, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिल सकता है। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।